यहाँ पे देख सकते हो जो कोविन ऐप है हमारा पूरा ग्लोब का है। यहाँ पे देख लो 15 कंट्री इसको इस टेक्निक को अपनाने की बात कर रही है। यहाँ पे जो हमारे NHA चीफ RS शर्मा है उनका क्या कहना चाहिए इनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो रिपब्लिक वर्ल्ड .com का एक आर्टिकल से इससे रिलेटेड यहाँ पे देख लो कि 15 कंट्री इस चीज़ को अपनाने के लिए इंटरेस्टेड है। यहाँ पे देख लो जो 50 कंट्री है जो इंटरेस्टेड है इस ऐप को लेके। यहाँ पे देख लो टॉप में कनाडा, मेक्सिको, नाइजेरिया, इन कंपनियों ने इस ऐप का तारीफ किया है। इवन जो हमारे नरेंद्र मोदी उनका कहना है कि इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कर दो और फ्री कॉस्ट में कर दो ताकि लोग अदर कंट्री इस चीज़ को डाउनलोड ईजी वे में कर सके। कोविड ऐप की बात करें तो बहुत इजी से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 30 करोड़ लोग इस अभी तक इंडिया में वैक्सीन लगा चुके हैं। और ये भी देख लो जो 2021 के एंड तक हम लोग का टारगेट कि 80 प्लस के जितने भी लोग हैं फर्स्ट सिंगल डोज ले ले कम से कम। और ये इंडिया का ना सॉफ्ट पावर को दिखाता है और इंडिया के टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेगा कि ये ग्लोबल यूज करेगा ना तो इंडिया का टेक्नोलॉजी भी बूस्ट करेगा। और ये भी देख लो कि ये इजी टू रजिस्टर कहीं से भी आप कर सकते हो। मान लो आप रांची में रजिस्टर किए हो, एक डोज लिए हो, लेकिन आपको आप बेंगलोर में हो तो बेंगलोर से भी अपना सेकेंड डोज ले सकते हो। ये बहुत ईजी टू यूज है इसलिए इसको पूरे वर्ल्ड भी अपनाना चाहती है। इससे पूरा वर्ल्ड हमारे टेक्निक को अपनाएगी, इंडिया के IT सेक्टर बूस्ट करेगा, इवन ये डिजिटल इंडिया को भी प्रमोट कर रहा है, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसा बना। चलो बाय।